किसानों की जमीन की सर्किल रेट से नहीं मिल रहा मुआवजा। जी आपको बताता चले, भीरपुर आरओबी के जबरन निर्माण पर आमदा है सरकारी तंत्र। भीरपुर आरओबी की मुआवजे को व्यापारियों एवं राजस्व विभाग में विगत दो वर्षों से विवाद चल रहा है, जहां राजस्व विभाग द्वारा घोड़डीह गांव की खेती योग्य जमीन के हिसाब से मुआवजा बनाकर ट्रेजर में डालकर जमीन पीडब्ल्यूडी के पक्ष में कर लिया है। आपको बता दें कि मुंगारी से बीरपुर पुलिस चौकी तक NH 49 की सर्किल रेट 15,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जबकि राजस्व विभाग द्वारा 450 रुपये प्रति वर्ग मीटर, जिसका 4 गुना बढ़ाकर पैसा ट्रेजरी में डालकर जबरन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जबकि उच्च न्यायालय ने भी अभी बगैर सहमति के निर्माण कार्य करने से रोक लगा रखा है। वही छोटेलाल शर्मा ने जिला अधिकारी प्रयागराज से मिलकर मुआवजे की उचित हक न मिलने तक निर्माण कार्य शुरू न करने की मांग की है, किंतु राजस्व विभाग द्वारा लगातार किसानों की धमकी दी जा रही है कि किसानों द्वारा फ्लाईओवर बीरपुर में अवरोधक उत्पन्न करने पर जेल डाल दिया जाएगा। इससे व्यापारियों सहित क्षेत्रीय जनमानस में आक्रोश है। यदि सरकारी तंत्र द्वारा जोर जबरदस्ती की गई तो कचहरी जैसे हालात भीरपुर में भी बनने के आसार देखने को मिलेंगे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से विनय कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विनय कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल। मैं इस समय करछना विधानसभा क्षेत्र में भीरपुर पुलिस चौकी के पास उपस्थित। यहाँ के जो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ जाम की वजह से, ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा जाम है, इसलिए ओवर पाई बन रहा है, जो कि किसानों के सही मुआवजा जमीन के नहीं मिल पाए। जहाँ की सर्किट रोड जो है NH 9 जो है, यहाँ रोड से जब सटा हुआ है, इसका सर्किट रेट है 15,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, लेकिन यहाँ की जो राजस्व विभाग है 4,095 के 4 गुना वर्ग मीटर दे रहे हैं, यानी 1980 मीटर दे रहे हैं। इस रेलवे लाइन का जो 2 मंजिल का काम दिख रहा है, इसके ऊपर से यहाँ से लगभग 7 से 8 किलर पड़ेगा। 8 किलर के पास सीधा होकर इसी हाईवे, नेशनल हाईवे मिलाया जाएगा, जो कि किसानों की सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इससे किसान बहुत परेशान है, काफ़ी दिन से, लगभग ये 2 साल से मामला चल रहा है। सर कहते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर जो ओवर ब्रिज बन रहा है, इसमें बताया जा रहा है किसानों को सही मुआवजा नहीं, क्या कारण है? मुख्य मामला है मुआवजा, ये मामला विगत 2 वर्षों से चल रहा है। इस संबंध में हम लोग मामले उच्च न्यायालय की शरण में हैं, तो न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा कि बगैर हम लोगों की सहमति से लड़ के नहीं जाते। लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा जबरन हम लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और जेल में डालने की धमकी दी जा रही है, और यहाँ का सर्किल रेट 15,500 प्रति वर्ग मीटर है, जबकि 10 बैनामे हमारे पास हैं, और 10 बैनामों में 15,500 सर्किल दर से तहसील प्रशासन ने स्टाम्प लिया है, लेकिन इस जमीन का महज खेती वाली रेट से जो 495 रुपया वर्ग मीटर है, उसका 4 गुना लगा के हम लोगों का मुआवजा दिए हैं। मुआवजा हम लोग नहीं लिए, तिजोरी में डाल दिए हैं, जमीन PWD के नाम ट्रांसफ़र करवा लिए हैं, अब जबरन निर्माण कार्य की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा छोटेलाल शर्मा नाम है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ के जो कि यहाँ पे छोटेलाल शर्मा जी का जमीन गया है, लगभग यहाँ से 8 किलर होते हुए जाएंगे, जो कि इनका मुआवजा सही नहीं दे पा रहा है। इसे एक और किसान है, सर आपका नाम क्या है? क्या समस्या है सर, इसके ओवर ट्राई लेकर के क्या समस्या है किसानों का? मेहनत से लगी हुई जमीन है, जिसका मालिक है तहसील में, और यहाँ जो है ना ओना पौना दाम से जो है ना मुआवजा बनाए हैं, और क्या हम क्या सकते हैं? देखिए, यहाँ किसानों का ना ओवर ब्रिज पर कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन यहाँ जो सर्किट रेट है गवर्नमेंट का, उसका आधा से क्या बहुत कम दिया जा रहा है, लगभग 20-25% दिया रहे। अगर इन किसानों के जो सर्किट रेट हुए, अगर वो गवर्नमेंट दे देती है, तो यहाँ बहुत आराम से या तो बिना हस्तक्षेप का ये ओवरफ्लाई बन सकता है। सर आपके नाम क्या है? अनिरुद्ध कुमार। सर यहाँ पे आप क्यों आए? हम लोगों की जो ज़मीन जो है, ये ओवरब्रिज में जो खरीदी की गई है, उसी लिए हम लोग जो है परेशान हैं। जैसा कि हमारे छोटेलाल शर्मा जी ने बताया है जो है कि प्रशासन का जो अब मंशा है, जो है राजस्व का जो मंशा है, कि प्रशासन जो है दबाव दे करके हम लोगों को जेल में डाल करके जो है ये कार्य जो है करवाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सुने हैं कि 195 के चलान भी, हाँ सब जो है सबका नाम नोट करके जो है 195 सबका चलान कर देंगे, और ये कह रहे हैं जो है कि अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो आप लोगों को जेल में डाला जाएगा।
तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट ने क्या कोर्ट फैसला दिया है? कोर्ट में हम लोग जा चुके हैं, जो है कोर्ट ने जो है वो डीएम साहब की जो है प्राधिकरण में अभी लंबित है, जो है वहाँ भी कोई मजिस्ट्रेट न होने के कारण जो है तारीख लग रही है। हाँ, अभी तो कोई उसका जो है निस्तारण नहीं हुआ। देखिए, जिसका यहाँ जितने किसान हैं सबका यही कहना है कि जो सर्किट रेट है सर्किट रेट के पूरा मिल जाए। हाँ दादा, आपका क्या नाम है? सर, आपका जमीन कितना गया? आप कितने किले पर आ चुके हैं? जमीन हमारे अच्छा, तो आपका क्या कहना है? कहीं मुआवजा नहीं मिल रहा है, ले जाए तो काम करे, गवर्नमेंट मुआवजा नहीं दे रही। आप यहाँ डीएम या सीएम पास? अरे अभी यहाँ सब कोई यही सब जानते हैं और मामला सब यहाँ की। देखिए, यहाँ के डीएम भी या तो एसडीएम या राजस्व विभाग इस पर कोई जो ज़बरदस्ती या ध्यान नहीं दे रही, जो कि यहाँ पे यहाँ की जो अधिकारी हैं सबसे यही कहना है कि यहाँ के किसानों से उचित मुआवजा देकर, जो उचित है वो मुआवजा देकर अपना कार्य चालू कर ये प्राधिकरण को शुरू कर। हमारा निवास स्थान घोरे जी है जी, आज जिस जमीन पर खड़े हैं हमारी जमीन। क्या समस्या है आप लोगों को? हमारी समस्या है कि हमारी जमीन को जबरन अधिग्रहण किया गया। कौन कर रहा है? राजस्व विभाग के अधिकारी तहसील जी। आप कभी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं दिया अभी तक? 2 साल के बीच में हम लोग कजानी कितनी बार एप्लीकेशन दिए, हाई कोर्ट की शरण में गए और सारे अधिकारियों के संज्ञान में मामला है। डीएम साहब से हम कई बार मिल चुके हैं, या डीएम साहब से कम कम 10 चक्कर मिले, कई चक्कर एसडीएम महोदय यहाँ भी आए। मुगवारी से भीरपुर पुलिस चौकी तक का सर्किट रेट 15,500 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। सारी ज़मीनें का मतलब दी गई हैं, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इस ज़मीन का 495 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका 4 गुना जोड़कर हम लोग मुआवजा नहीं लिए तो जबरन ट्रेजरी में डाल दिए हैं। अब गुंडई के बल पर, दबंगई के बल पर यहाँ निर्माण कार्य करवाना चाहते हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और विरोध हमारा इस बात का है कि आप 15,500 जो यहाँ का सर्किट रेट है, इस दर से ज़मीन की खरीद फरोख्त हो रही है, उस हिसाब को उससे हमको मुआवजा दे दीजिए और अपना निर्माण कार्य। दशरथ लाल पटेल है, इसके बाद इनका है लंबा प्लाट। आपका क्या नाम भैया? दशरथ लाल पटेल। अच्छा, आप यहीं से घोड़े डी से बोल रहे हैं? हम घोड़े डी से बोल रहे हैं जी। आप बताइए। हमारी भी समस्या वही है कि जमीन तो हम लोग छोड़ दिए हैं, पहले जब बोले जमीन खाली पड़ी है और रेट दे रहे हैं 4,495 रुपया प्रति वर्ग मीटर का 4 गुना, और जबकि यहाँ का सर्किल रेट है 15,500 प्रति वर्ग मीटर। मतलब यहाँ का जो सर्किल रेट है वो नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को, इसे ये समस्या आप होगा? हाँ, और समस्या, हम लोग जमीन देने के लिए बिल्कुल रेडी तैयार हैं, इसमें हम लोगों को कोई समस्या नहीं। हम लोग खाली अपने सर्किल रेट के लिए और पैसे के लिए परेशान, और